आप देख रहे हैं जेके न्यूज टुडे। पेश है दिन भर की अहम खबरें। जम्मू कश्मीर में ली मौसम ने फिर करवट, कई एक मुकामात पर दरमियानी दर्जे की बारिशें, महकमा मौसमियात ने की मजीद बारिशों की पेशगोई। बालतल में सीआरपीएफ की गाड़ी गहरी खाई में गिरी, 8 सीआरपीएफ के अहलकार हुए जख्मी। कश्मीर को भारत के साथ फौज ने नहीं बल्कि कश्मीरी आवाम ने मिलाया, अल्ताफ बुखारी। आज हिंदुस्तान के तमन लीडरन फौज हिंदुस्तान फौजन थम द्राय डंडो स्राय डंडो सड़क तुम अपार पढ़ना आई टीचर पोज टीचर हिस्ट्री बहुत याद यहाँ पा। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कौमी शाहरा और नवयुग टनल का किया दौरा, रवा अमरनाथ यात्रा के लिए हिफाजती इंतजाम का लिया जायजा। जम्मू में गैर मुकामी अफराद की बढ़ती तादाद पर तश्वीश और मुजाहिरा। जैसे अभी जहां बताया गया है कि जहां बहुत सारी चोरी की घटनाएं हूँ, चेन स्नैचिंग की घटना हूँ, और जैसे रोंगियाज की बात आ रही है और कुछ बाहर के लोग आके जहां बसे हैं, हम देखते हैं दुर्गा नगर में भी सारे मोहल्ले वाले ये बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि जहां कुछ ऐसे लोग आके बसे हैं जिनका जहां पे पहले नहीं देखा गया है, तो हम मीडिया के माध्यम से एसएसपी जम्मू और पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके, और ये रजिस्ट्रेशन में कल ही मीडिया में पढ़ रहा था कि सांबा के एसएसपी ने 3-4 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया है जिन्होंने अपने किराएदार रखे हैं लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन पुलिस चौकी में नहीं कराई है। तो प्रॉपर तरीके से जो सारा काम है काम हो, तभी जो हम स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं इसकी सुरक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा अत्यंत जरूरी है, उसके लिए ये सारा काम करना बहुत जरूरी है।